फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका स्वागत करती हूँ द फॉर्च्यून टेलर में। हर किसी के मन में एक चाहत होती है अपने भविष्य के बारे में जानने की, अपना फ्यूचर जानने की, और हम अपने शो में हर बार एक नए तरीके से आपको रूबरू करवाते हैं आपके भविष्य से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का जो कि आपके आने वाली जिंदगी में एक मजबूत ताल्लुक रखती है। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी है टैरट कार्ड रीडर मिसेस सीमा जैन जी, जो कि हमें टैरट कार्ड के जरिए आपको आपके भविष्य की कुछ बातें बताएंगी। मैम, स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। मैम, आजकल की बिजी लाइफ में लोगों को टैरट कार्ड का महत्व नहीं पता, तो क्या होते हैं ये टैरट कार्ड्स? टैरो कार्ड से हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें तंग कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है और हमें काम आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो ये जो आपने जो टैरो कार्ड की जो विद्या है, ये आपने कहीं से सीखी है या फिर ये कैसे आपने टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करी? हाँ जी, ये मैंने सीखी है। एक बार मैं बेटी का एडमिशन कराने के लिए गई थी, तो मेरे वहाँ मैंने ये बोर्ड लगा हुआ देखा कि भाई यहाँ पे टैरो कार्ड सिखाए जाते हैं, तो मेरे मन में भी चाह हुई कि भाई मैं कुछ सीखूँ। तो मैं उनके पास गई तो मैंने उनसे बोला कि भाई क्या मैं ये सीख सकती हूँ? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ से सीखा। तो टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है, ये लोग कहते हैं कि इससे हमारी ज़िंदगी में कुछ खास असर नहीं पड़ता, मतलब लोग इन बातों को मानते नहीं हैं, तो क्या सचमुच में ये हमारे ग्रहों को, हमारे ग्रह इनसे जुड़े रहते हैं? कलर से भी और नंबर से भी हम अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। आपने टैरट कार्ड्स के बारे में हमें इतनी बातें बताई, अब आप ये भी बताइए कि कितने तरह के होते हैं ये कार्ड्स? जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपका पूरा बंडल रखा हुआ है, तो क्या होते हैं कार्ड, आप हमें बताइए। ये 78 कार्ड होते हैं, जिसमें से 22 होते हैं मेजर कार्ड और 76 होते हैं माइनर कार्ड, और उसमें भी तीन तरह के कार्ड होते हैं जो हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमने जीवन में क्या किया और हमारे साथ आगे क्या होने वाला है भविष्य में, उसके बारे में शो करते हैं। ये जो मेजर कार्ड्स और माइनर कार्ड्स होते हैं जो आप बता रही हैं, ये किस तरह से हमारे फ्यूचर में हमारी बातों को बताते हैं? कुछ कार्ड जो होते हैं उससे कलर से पता चलता है, और कुछ कार्ड जो होते हैं उनके नंबर देखकर, नंबर से पता चलता है कि भाई ये ग्रह हमारा, हमारे लिए ख़राब है, जिसको हमें ठीक करना है और जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें कामयाबी मिल सकती है और हम जीवन में जो चाहते हैं वो हमें मिल सकता है। तो आपने इतनी सारी हमें टैरट कार्ड के बारे में बातें बता दी हैं, तो अब तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, तो आप मुझे भी मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ बातें बता दीजिए कि क्या मेरा करियर कैसा रहेगा या फिर कुछ भी जो भी टैरट कार्ड्स के जरिए पता चल सके। इनको क्यों फैलाया जाता है इस तरह से? इसको इसलिए फैलाया जाता है कि जो एक एक कार्ड है वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे और हम जिसका भविष्य बताने जा रहे हैं उसको निकालने में आसानी हो, एक कार्ड के साथ दूसरा कार्ड ना आए। तो अगर हम, अगर दो कार्ड अगर आ जाते हैं तो उससे क्या नुकसान? अगर दो कार्ड एक साथ आ जाते हैं तो हमारी काउंटिंग में गलती हो जाती है और जिससे हम अपने जो ग्रह हमारे जो ख़राब चल रहे हैं, जिसके बारे में हम जो पूछ रहे हैं वो हम सही से नहीं बता पाते। तो इन्हें सही से फैलाना पड़ेगा? हाँ, पूरा एक एक कार्ड दिखना चाहिए, ऐसे फैलना चाहिए। तो फिर अगर इनमें कभी कोई, जैसे आप कहते हैं कि कोई भी कार्ड निकल जाए तो वो सही फ्यूचर बताएगा, अगर सपोज़ मेरा तरीका गलत हो गया, कोई भी कार्ड गलत निकल गया, तो ऐसा कभी होता है कि अगर कोई? हाँ, ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो दोबारा एक कार्ड और निकालना चाहिए और उस कार्ड को साइड में रख देना चाहिए जो एक फालतू निकले। अगर हमारे को सेटिस्फैक्शन नहीं होती है जैसे कार्ड से, तो हम क्या इससे कोई ऐसा असर पड़ता है कि अगर हम कोई कार्ड आ गया और हमें उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? सेटिस्फैक्शन तो आपको जब होगी ना, जब आप जिस ग्रह के बारे में बताया जाएगा आपको, आप उस ग्रह के उपाय करेंगे तो, और आपको लाभ मिलेगा। तो कैसे तो उपाय रखने चाहिए अगर कोई भी हो तो? उपाय जैसे नंबर आया, जो भी नंबर आएगा, हाँ जी, तो हर एक ग्रह का एक अपना नंबर होता है। जैसे फर्स्ट नंबर होता है सूर्य का, और जो सेकंड नंबर होता है वो होता है चंद्र का, और जो थर्ड नंबर होता है वो होता है बुध, उसका बृहस्पति का। जैसे थर्ड आया तो आपका बृहस्पति वीक है, आपको अपना बृहस्पति ठीक करना है। तो फिर उसके जो उपाय होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग? हाँ, आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपके कलर्स के अकॉर्डिंग। तो ये टोटल नंबर कितने होते हैं इन कार्ड्स के? कई होते हैं, जैसे सूर्य का पीला और रेड होता है, और चंद्र का वाइट होता है, और उसके बाद जो बुध बृहस्पति होता है उसका पीला होता है,
तो अगर कुछ भी वीक आया तो उसके अकॉर्डिंग हम उपाय करेंगे। हाँ, तो उपाय भी आप ही बताएंगे? हाँ, उपाय भी और रतन भी पहन सकते हैं। तो चलिए आप मेरा ही भविष्य बता दीजिए। आप कार्ड निकालिए। ओके, कार्ड कहीं से भी, कहीं से, तीन निकालने हैं एक साथ या अलग अलग? पहले एक निकालो, एक साइड से सीधा कर दो उसको। तीनों अलग अलग निकालो। हाँ, अलग अलग तरीके से निकालो। चलिए मैंने तीन कार्ड निकाल दीजिए, अब आप मुझे मेरा भविष्य बता दीजिए। ये तो कैसे ये तो नंबर के कार्ड है शायद। हाँ, ये मेजर कार्ड है। मेजर कार्ड? आपके तीनों ही कार्ड मेजर आए हैं। तीनों ही मेजर आए हैं? हाँ। चलिए ये तो। और ये तीन कार्ड मैंने क्यों निकलवाए हैं आपको पता है? क्यों? ये तीन कार्ड मैंने इसलिए निकलवाए कि आपका भविष्य में पहले जो आपके साथ जो हुआ है उसके बारे में पता चल जाए, और जिससे मैं आपको उपाय बता सकूं और आपका जो आने वाला कल है वो ठीक हो सके। तो मतलब इसमें कैसे पता चलेगा कि मेरे आने वाले कल का कौन सा कार्ड था, भविष्य का कौन सा है और अभी प्रेजेंट का कौन सा है? तो फ्यूचर का ये है और पास्ट का ये है। चलिए अब आप मुझे बता दीजिए। तो अब आपका जो आने वाला कल है उसके लिए आपका आता है 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब है आप जो भी करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में आपका वो काम पूरा होने वाला है, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और आप बहुत मतलब हर तरीके से, हर चीज़ से आप संपूर्ण होने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। अरे वाह, ये आपके तो हर काम पूरे होने वाले हैं। ये तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। टेन नंबर का मतलब होता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपका काम पूरा होने वाला है और नया काम चालू होने वाला है। ये दूसरा कार्ड किस चीज़ के लिए है? ये आपके जो भविष्य में जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ बीता है उसको शो करता है। तो ये है 6 नंबर का कार्ड। तो 6 नंबर जो होता है वो होता है शुक्र का। शुक्र? हाँ। तो आपका कहीं ना कहीं शुक्र ऐसा वीक रहा होगा कि जिसने आपको बहुत मतलब जिंदगी लाइफ में टेंशन दी होगी, परेशानियाँ दी होगी। तो अगर मुझे शुक्र मजबूत करना हो तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए आप कोई रतन भी पहन सकते हैं, और अगर आप रतन नहीं पहनना चाहे तो आप शुक्र के उपाय भी कर सकते हैं। शुक्र का कलर होता है वाइट। आप चाहे तो हीरा भी पहन सकते हैं, फिरोजा भी डाल सकते हैं, और आप शुक्र से जुड़ी चीज़ें जैसे वाइट चीज़ें कुछ भी दान कर सकते हैं। वाइट चीज़ें। और ये तीसरा कार्ड जजमेंट, ये हो गया 20 कार्ड हो गया। ये 20 में 2 नंबर आ गया। 2 यानी चंद्र, यानी कि कहीं ना कहीं आपका चंद्र भी वीक था। वीक? तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या क्या परेशानियाँ देखी हैं, तो मैं आपको उसके हिसाब से बताऊँगी। परेशानियाँ तो मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए अगर मुझे उपाय करने चाहिए तो फिर भी कैसे उपाय मैं करना चाहूँगी? अब आपका जो समय बीत चुका है वो तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका आपका समय है वो बहुत अच्छा आने वाला है। आपके साथ जो भी पहले बुरा हुआ है वो हो चुका है, अब जो आएगा वो अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये तीनों कार्ड हमारे भविष्य, हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट तीनों को बताते हैं। तो चलिए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। और भी कोई महत्व रखते हैं ये कार्ड्स, या फिर बस इन तीन से ही हमारा फ्यूचर पूरा बता दिया जाएगा? इन तीन से ही हमें पता चल जाता है, और इससे ये भी पता चलता है कि भाई हमारा टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम में हमारा सारा काम जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे काम कितने टाइम में? 5 या 7 साल। 5-7 साल? दोस्तों मुझे तो 5-7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन हम सीमा जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे अवेयर करा, मुझे कुछ तरीके बताए जिससे मैं अपने फ्यूचर में, अपने करियर में आगे बढ़ सकूँ। तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सीमा जी। और दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी का हर पल खुशनुमा होता है, पर मन में कहीं ना कहीं एक बदगुमा होता है। जानकर ज़िंदगी के इतने सारे पहलू आज खुद पर गुमा होता है। दोस्तों, ज़िंदगी ख्वाहिशों का मेला है जहां हर कोई अकेला है, पर आप खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि आपके साथ जुड़े रहेंगे हम, और आप भी यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा द फॉर्चून टेलर के एपिसोड्स में। ये तो था द फॉर्चून टेलर का आज का खास एपिसोड, जहाँ पर हमने टैरेट कार्ड के ज़रिए आपको बताया कि आप कैसे अपने भविष्य को जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारे एक्सपर्ट द्वारा जान सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अपना नाम,
अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना वर्क प्लेस हमें मेल करना है thefortuneteller@gmail.com पर और हमारे एक्सपर्ट आपकी सभी समस्याओं का जवाब देंगे। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।